हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे डबल डेकर कॉर्न सैंडविच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई को करेंगे गरम और उसमें डालेंगे बटर। आप इसकी जगह रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। बटर को मेल्ट होने देंगे। बटर हो चुका है मेल्ट, अब हम इसमें मिलाएंगे 2 टेबलस्पून मैदा और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे लगभग 1 मिनट तक भूनें। अब इसमें मिलाएंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सबको अच्छे से भून लेंगे। ये भून चुका है, अब हम इसमें मिलाएंगे दूध। थोड़ा थोड़ा कर कर आप दूध डालें और इसे विस्क करते रहें, चलाते रहें इस तरह से। इसमें और दूध डालेंगे हम थोड़ा और इसे एक क्रीमी टेक्सचर देंगे, बिल्कुल इस तरह। अब हम इसमें मिलाएंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे डाल भी सकते हैं, लेकिन इसे बारीक चॉप करके डालें। और इसमें हम मिलाएंगे स्वीट कॉर्न। इन सबको अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें डालेंगे ऑरिगेनो। अगर आपके पास ऑरिगेनो ना हो तो आप बारीक कटे हरी धनिया पत्ते भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ चीज़। ये प्रोसेस चीज़ है, अगर आपके पास है तो आप डालें, वरना इसे रहने दें। चीज़ डाल के इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक्कन लगा के पकाएंगे 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट हो चुके हैं, ये सब कुछ अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर में लाएंगे। रूम टेम्परेचर में आने के बाद देखिए इसका टेक्सचर थोड़ा थिक हो जाता है। अब लेंगे एक ब्रेड, मैंने इसके एजेस को काट लिया है, आप चाहे तो नहीं भी काट सकते हैं। और इसमें इसे अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे। बहुत ज़्यादा ना भरें, थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ फैला लें। और एक दूसरा ब्रेड का स्लाइस लेके उसके ऊपर से रख दें और इसके ऊपर से भी एक और लेयर लगाएं। अगर आप पहले इस तरह की सैंडविच नहीं खाए हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये टेस्ट में बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही क्रीमी रहता है। तो ये लेयर हो चुका है, इसके ऊपर से हम एक और ब्रेड का स्लाइस लगाएंगे। और देखिए ये तैयार है, अब हम इसे तवे पे सेक लेंगे। तवे को ऑयल से इस तरह से ग्रीस कर लें और बहुत ही आराम से इस पे ब्रेड रखें, क्योंकि ये बहुत ही हैवी हो चुका है। और इसे हल्के हाथों से प्रेस करके सेक लेंगे और बहुत ही आराम से इसे पलट देंगे। तो तैयार है हमारा डबल डेकर कॉर्न सैंडविच। इसे सर्व करें आप किसी भी तरह के चटनी या केचप के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।